पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और ये बहुत बड़ा अटैक है और ये एक नई इंसर्जेंसी, आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं यहाँ पे TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने, जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब उन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। अफगान तालिबान, आपको पता है उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। पहले से हमने महसूस किया है कि जो अफगान तालिबान है वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि TTP के अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। TTP, अगर 2-4 दिन पहले याद होगा मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं, जो TTP है वो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान जो है ना वो हमारा कोई नेबर शेबरों वाला काम नहीं कर रहा। ये काम आज से बहुत अरसा पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे अशरफ गनी के साथ, ये उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान हमारा कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, ना इस्लामिक, हम नेबर हैं बस आपके। और फिर जब हालात बेहतर होने की कोशिश हुई तो फिर वो पाकिस्तान का दौरा भी उन्होंने किया, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने दौरा नहीं किया था। वो बड़े स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े वो प्रो इंडिया थे बहुत ज़्यादा। और अब खाजा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान जो है ना वो अपनी एज ए नेबर अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो नहीं कर रहा। और हम क्या कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जाके पैसे मांगने हैं, पैके यारे ना दिला ठीक करो, ये अब हमारे गले पड़ गई ये सारा कुछ। मोदी साहब वहाँ पे UAE में बैठ के कह रहे हैं हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं, और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है GCC के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफगान तालिबान को लेके दोहा पहुंचते हैं, कभी अफगान तालिबान TTP को होस्ट करते हैं, और दूसरा अफगान तालिबान हम पे ये हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखें, 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक्त आना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो है ये भी चल रहे हैं और ये TTP पे चल रहे हैं, और अफगान तालिबान ने पिटना चीखना है, उन्होंने कहना ये क्या हो रहा है। और फिर वो जितने भी अफगान, फिर होता क्या है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे और अफगानिस्तान की साइड पे, वो दोनों फिर जो है वो अफेक्ट होती है। पश्तून जो हैं बलूचिस्तान की साइड, बलूचिस्तान में जो पश्तून है हमारे भाई, जो अफगानिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हमारे भाई जो हैं, दे इनको इस चीज़ को समझना चाहिए और इनको प्रेशराइज डालना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो अफगान तालिबान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सिर्फ रिलीजियस है, उनको जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं वो भी उनको रिकग्नाइज नहीं करती। जैसे कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अवामी नेशनल पार्टी हो या शेरपाओ ग्रुप जो हो ये हो जाएं, या उसके अलावा अफरासियाब खट्टक और बाकी लोग जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासी लोग हैं और बड़े जीरक सियासी लोग हैं, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पिछली हुकूमत से ज़्यादा थी। अब ये जो ग्रुप है अफगान तालिबान, इनका जारी बात है कोड़ा खटक में मौलाना समीउल हक के मदरसे में ज़्यादा रहा है, तो इनके हालात इस तरह के हैं, ना तो ये जमात इस्लामी के करीब हैं, ना ये मौलाना फजल रहमान के इतने लंबा चौड़ा करीब हैं। ये सिर्फ अपनी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली हुई है, उनके पास एक मुल्क है, वो साड़ी सौंधे को नहीं, वो अब हम उनके लिए, आपको पता है अफगान तालिबान से हमने बड़ी बेइज्जती करवाई है, और वो बेइज्जती हमने कैसे कराई कि हमारे एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे इमरान खान साहब,
उनको बड़ा शौक था लीडर बनने का, और वो कहते थे नहीं टीटीपी को पाकिस्तान में आने दो। खैर उस बंदे ने तो पाकिस्तान की जो तबाही की की की, लेकिन उस बंदे ने जो है वो जिसे कहते हैं ना कि ये भी हमें खजल खराब कराया, हम भी पाकिस्तान मंगवा ली। अब कल ISPR ने कहा है, जो कि बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है, और उसके बाद आई डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, ISPR ने कहा है जनाब कि आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि जो क्वेटा गैरिसन ने वो कल गए हुए थे, और जारी बात है जो आर्मी चीफ होता है ना, मैं आपको बात बताऊँ, उसको बड़ी तकलीफ होती है जब फौजी जवान शहीद होते हैं। फौज के अंदर बड़ा दुख होता है उस दिन, क्योंकि फौजियों की आपस में बड़ी एक दूसरे की बड़ी बॉन्डिंग होती है, ये फैमिलीज से दूर रहते हैं, ये जो इनकी यूनिट्स होती हैं, ये जो इनके जहाँ भी ये रह रहे होते हैं, इनकी फैमिलीज यही होती हैं, इनके बहन भाई यही होते हैं, ये फौजी ही ये अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। एक इनको बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी, एडवांटेजेस ये हैं कि इनके पास रिस्पेक्ट होती है, एडवांटेजेस ये हैं इनके पास जॉब होती है, एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज होते हैं ये सोशली बड़े डिस्कनेक्ट होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू इवन इंगेज, एंड एट टाइम्स वो जो मुआशरे के साथ जब ये फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के बाद लोगों से मिलने आते हैं या लार्जली पब्लिक से मिलते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट गेम होती है हमारा, हम जैसे रूटीन में रहते हैं, फौजियों की बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी जॉब है, उन्होंने उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो क्या उसे बोल, तन्हाई थोड़ी होती है। सो दिस इज़ एवरीवेयर, दिस इज़ इन इंडिया, दिस इज़ इन पाकिस्तान, दिस इज़ इन बांग्लादेश, इवन अमेरिका, हर जगह पे, हर अमेरिका की तो डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सोशल है कि बड़ा कट ऑफ होकर रहते हैं। अभी देखिए ना कि ये जोब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, ठीक है जी, और आर्मी चीफ ने खैर उन जवानों को भी कहा, उनको भी विजिट भी किया, लेकिन ये अब पाकिस्तान कह रहा है सेफ हैवन्स एंड है एंड लिबर्टी ऑफ एक्शन है। सेफ हैवन्स का मतलब ये है कि छुपे ने, एंड लिबर्टी ऑफ एक्शन मीन्स कि जब उनका दिल करता है वो हम पे हमला करते हैं और अफगानिस्तान कुछ नहीं करता। सो वो जो पाकिस्तान की F-16 की डील है ना पाइन के, ए अमेरिका के साथ ये काउंटर टेररिज्म ये तैयार रहे हैं, मैं तो मैं आई एम जस्ट काउंटिंग दिस ऑन डेज, मे बी मंथ्स कर लें, लेकिन ये होना ही होना है। ये आपने अफगानियों को, जब तक आपने इन्होंने सजियां खबियां ना दसियां, इन्होंने ठीक होना, ये मैं ट्रस्ट करें, हमने तो अपना आप तबाह कर लिया ना, हमने तो अपना आप तबाह कर लिया, इसमें अफगानिस्तान का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारे अपने लीडरशिप का है। हमने पहले वहाँ मुजाहिदीन बनाए, फिर उनको मारते रहे, फिर ख़त्म करते रहे, हमने 40-50 साल अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी इनके लिए यार, और सिर्फ वो इंडिया का फैक्टर था कि नहीं यार वो हमारे पीछे एक मुल्क होना चाहिए, इंडिया बड़ा मुल्क है। ये जो स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री है ना, द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री, ये तो एंड एंड द क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफिक एसिमेट्री, इस क्वेश्चन ने पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसको बहुत देर कंप्रोमाइज करके रखा है। अभी हम थोड़े से जब अफगानिस्तान ने ब्लो बैक आया, रेजिस्टेंस आई, इंडिया की थोड़ी बढ़ी, तो अभी हमें पता चला उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो मुमकिन ही नहीं है, लिहाजा उतनी देर में डैमेज वॉज डन, असी चीज़ें सोच दे रहे हैं कि साढ़े मुसलमान भरा ने दे आप यार ने, तो इन्होंने हम कभी उनको स्टेबल करते, कभी अनस्टेबल करने की कोशिश में रहते, कभी अपनी मर्जी के एक्टर बनाते, फिर बीच में अमरीका पाया गया, फिर उन्होंने मारने के चक्कर पाया गया, फिर अब वो हमारे खिलाफ हो गए, फिर उनमें से नहीं उनके बच्चे और हो गए, और सारे उन असी जड़ा ना असी इस चक्कर फंस गए, ठीक है। आगे से फिर वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा हैं, पश्तून, उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको समझना, करना, इंगेज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इतना आसान काम नहीं है। अफगानिस्तान इज़ अ प्योरली ट्राइबल कंट्री सोसाइटी, प्योरली ट्राइबल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे तो जवान शहीद हो गए ना, ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ अगर वो ट्वीट पढ़ के सुना दूँ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का है कि अफगानिस्तान हम साया और बरादर मुल्क होने का हकदार नहीं कर रहा, और ना ही वो जो कतर में मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी कर रहा है, 50 से 60 लाख अफगानियों को पाकिस्तान में हमने रखा हुआ है। मैं लास्ट टाइम क्वेटा था ला पिछले महीने, एंड आई हैड द ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद द अफगान जो था कॉन्सुलेट, जो जो जनरल था इन क्वेटा, और वो एक ही चीज़ कह रहा था, पाकिस्तान का थैंक यू, पाकिस्तान का थैंक यू, पाकिस्तान का थैंक यू, थैंक यू। तो सानू की फ़ायदा जनाब, हमने आपके थैंक यू को क्या करना है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे फौजियों को शहीद करने के लिए और हमारी अवाम को भी हमला करने के लिए, हमने आपका थैंक यू क्या करना है। वो सारे हम तो अफगानियों की
आपको ये पता नहीं है कि क्वेटैन, बलूचिस्तान एंड पेशावर के अंदर हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की हेल्थ पे लग जाता है। वो आते हैं अफगानिस्तान से इलाज कराने यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये पाकिस्तान, हम उनको 50-60 लाखों को अफगानियों को होस्ट कर रहे हैं, वो हमारा खून कर रहे हैं, ठीक है जी। और उनको हम अपना गायें बना के देते हैं, उन सारा करते हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि अब हमने इससे आगे किधर जाना है और क्या करना है यार। हमारी यही किस्मत है कि ऐसा इन्हें दिनाल एनजी लड़ते रहना, इनसे हमने चांटे खाने हैं और चांटे मारने हैं, यही हमारा काम है। हमने कोई तरक्की नहीं करनी, हमने नहीं देखना कि मोहम्मद बिन जायद जो है वो मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेजेस लेके आ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा कर लेना कि मोहम्मद बिन जायद जो है वो मोहम्मद बिन मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेज लेके आ रहा है, क्या क्या वो कर रहे हैं, ठीक है जी। बुर्ज खलीफा जो है वो इस वक्त वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के की जो तस्वीरें वो चला रहा है, इंडिया का झंडा वहाँ पे चला रहा है। नॉर्मली ऐसे बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क का जो वजीर आजम जाए तो वो जाए तो ऐसे हो। मेरे ख्याल अबू धाबी गए हैं, नॉट इन दुबई, लेकिन बुर्ज खलीफा जो है वो मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है यार कि हमने अपना क्या मुस्तकबिल तय करना है, हमने हमारा मुस्तकबिल क्या है। मेरा आर्मी चीफ जाता है मोहम्मद बिन जायद से, कहता है यार सानू साढ़े बैंक के पैसे पा दो। मेरा वजीर आजम जाता है, पैसे पा दो, कहते हैं ठीक है पा देना, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं कुछ। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो खाने के मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पे यार खड़े हुए हैं और इंडिया फिर कहाँ पे खड़ा है। फिर बात करें तो लोग कहते हैं लो जी तुसी इंडिया ने कंपैरिजन कर दो, हमारा कंपैरिजन इंडिया से ही बनता है। ये जो लोग कहते हैं ना इंडिया से कंपैर, भाई इंडिया से क्या क्यों कंपैरिजन नहीं बनता, मैं भी ये क्वेश्चन है ना। मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, वो एक मुहावरा होता है ना बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ आज़ाद हुए, हम क्या हमको ये उन सोमालिया के नाल पाकिस्तान का कंपैरिजन तो नहीं होना, जारी बात है इंडिया से कंपैरिजन होना है। और हमने अभी तक वी 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 मेंटेन दैट पैरिटी विद इंडिया इन वन सेक्टर, ठीक है हम, और विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल दैट। आइंदा हम और चीज़ों जो हैं उनमें अगर अगले 5-10 साल में चीज़ें ओवरटर्न हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी आबादी सही, हम वी कैन ग्रो फास्ट, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। गो के मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे कैपेबिलिटी के इशू हैं, लेकिन आई पर्सनली फाइंड के ऐसी भी बात नहीं है। खैर एनी हो, इसको हम फिर किसी टॉप वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, अब अफगान तालिबान से पूछें, वो कहता जी हम तो बड़े कमिटेड हैं कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल ही होने देंगे, और हमने कई दफ़ा क्लियर कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और ना ही हम अफगानिस्तान को रीजनल ट्रेड एंड प्रॉस्पैरिटी, कोई जवाब ही नहीं सी ऐसे शहीन को, ठीक है। लेकिन ये हमें बताएं ना कि आपने क्या करना है। आप कभी हम TTP से मुजाकरात शुरू कर देते हैं, कभी हम जो है ना वो TTP के साथ उन्होंने लड़न लग पेने हैं, कभी हम कुछ करना शुरू कर देते, कभी हम कुछ करना शुरू कर देते। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं, थोड़ा प्लान की है, मतलब व्हाट आर वी प्लानिंग, व्हाट आर वी प्लानिंग, मतलब हमारा मकसद क्या है यार, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, असा करना की ये, मैंने तो यही समझ नहीं भी आन रही, ठीक है ना जी। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। और ये ऐसे ही रहना है, ये ऐसे ही रहना है, कुछ भी नहीं बदलना, मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं बदलना, और ये ऐसे ही रहना है। अफगान तालिबान ने हमारी सुननी नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे असा अफगानिया नु जड़ा ना हमें उन पर वो करना पड़ना है, वी हैड टू गेट इन टू इट, हमें तो वो करना पड़ना है तालिबान को साथ में, कुछ दो दो हाथ करने पड़ने, और ये सख्त हैंड इस्तेमाल होगा। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि हम पता नहीं क्यों बार बार, मुझे नहीं पता, हमारे जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र बने हैं जनाब अम्बेसडर असद दुरानी साहब, वो मेरे शो पे काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, अगर आप जाएंगे तो माजी में यू हैव माइट हैव सीन हिज टॉक ऑन माई